हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे के बी केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास सिकेंड होगी यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो सल्यूसन चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके अगले वीडियो में इसके हम इम्पॉर्टेंट एम लेके आएंगे आपको बहुत जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम को जरूर सॉल्व करें इसके अलावा आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स को आप बहुत अच्छे से करें नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप भी नोट्स बाई करना चाहते हैं रिविजन्स के लिए तो आप वहाँ से जाके नोट्स को लेके एक बार देख सकते हैं तो इसमें देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक इज इजी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबिस्टेंस जो कोई सोलूशंस होता है सोलूशंस है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है दो अथवा दो से अधिक सबिस्टेंस का द डिस्पर्स फीज आर दी सबिस्टेंस विच इज डिजार्व इज कॉल्ड सलूट सलूट किसे कहते हैं जो क्या हो रहा है किसी सबिस्टेंस में जो कि आप डिजॉल्व कर रहे हैं अगर सोलूसन की बात करें तो सोलूशन में दो फेज आते हैं एक सालूट एक सालवेंट सालवेंट क्या होता है द मीडियम इन हुई सालूट इज डिसअपियर टू गेट ए होमोजेनियस सोलूशंस सालवेंट क्या होता है जिसमें आप किसी भी सालूट्स को क्या करते हैं डालते हैं होमोजेनस सोलूशंस बनाते हैं सालवेंट उसे कहते हैं अगला हम देखेंगे सोलूशंस आपके कई तरीके से होते हैं अगर हमें एनी कॉम्बिनेशन करें सॉलिड लिक्विड और गैसेज का तो कई टाइप के हमें सल्यूशन मिल सकते हैं इसमें अगर सॉलिड और लिक्विड अगर सालूट हम सॉलिड लें सालवेंट लिक्विड लें तो हमें एग्जाम्पल्स मिलेगा सुगर इन्वर्टर दूसरा आपका क्या हो सकता है लिक्विड लिक्विड का सालवेंट बना दें जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दें अगला है आपका गैस और लिक्विड अगर हम गैस ले रहे हैं और लिक्विड ले रहे हैं तो वहाँ पे जो सलूसन हमारा बन रहा है जैसे कि सोडा वाटर का अगला आपका दो गैसेस आप स्टेट को क्या करिए आपस में उसका सोल्यूशंस बनाइए तो आपको एयर मिक्सचर मिलेगा अगला आप देखेंगे लिक्विड गैस का होगा इसका एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी इन एयर होगा अगला सॉलिड गैस का होगा इसका एग्जाम्पल आयोडीन बेपर इन एयर होगा अगला सॉलिड सॉलिड का क्या होगा एग्जाम्पल बैरियस इलाइज होंगे कई बार ऐसे क्वेश्चन देखें यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं कि जब भी आप गैस और लिक्विड को आप मिक्स करते हैं एग्जाम्पल आप सोडा वाटर का दे सकते हैं गैस गैस आप एयर मिक्सचर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं लिक्विड सॉलिड हाइड्रेट सॉल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं गैस सॉलिड हाइड्रोजन इन पैलेडियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं अब बात करें अगर सालबिलिटी की तो सालबलिटी का मतलब क्या है दी अमाउंट ऑफ सॉलूट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ ए सालवेंट अमाउंट ऑफ सालूट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ ए सॉलवेंट टू गेट ए स्टैंडर्ड सलूशन टू गेट ए स्टैंडर्ड सलूशन एट ए गिवेन टेम्परेचर तो सॉलबिलिटी की बात करें दी अमाउंट ऑफ साल हंड्रेड ग्राम ऑफ ए सॉल्व टू गेट ए टेम्परेचर। अगर हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें सॉलिबिलिटी की तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेज इन ए लिक्विड अगर किसी भी गैस को हम लिक्विड कर रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर जैसे जैसे आप राइज करेंगे टेम्परेचर वैसे वैसे क्या करेगी सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी दूसरा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इज सलूसन इन हुच रिलेटिवली ए स्माल अमाउंट ऑफ सालूट इज परजेंट इज कॉल्ड डायलूट सोलूशन ऐसा डायलूट सोलूशन किसे कहते हैं जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलूट क्या हो प्रजेंट हो और जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ साल सॉलूट प्रजेंट होगा उससे आप क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड सल्यूशन कहते हैं बहुत जल्द हम इसके इंपॉर्टेंट एम लेके आएंगे अभी आप सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए जिसके जिससे आप उस एम को कर ले जाए क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड दिया है ए सलूसन हुईज कॉन्टेंस दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दी दालूट सॉल्यूट दैट कैन बी डिजार्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सोलूशंस को आप क्या कहेंगे सैचुरेटेड सोलूशंस कहेंगे अगला टर्म आता है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन आपका आगे देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशंस रिफर टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ दी सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट परजेंट इन ए सोलूशंस तो कंसनट्रेशन क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है किसी भी सोलूसंस में प्रेजेंट है तो कंसनट्रेशन ऑफ सलूसंस बराबर क्या होगा अमाउंट ऑफ सोलूसन इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सल्यूसन इन ग्राम अगला देख सकते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बैलू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बैलूम ऑफ सलूशन यानी सोलूशंस का आयतन क्या है तो कंसंट्रेशन टर्म जो आपकी होती है दो तरीके की होती है एक तो टम्परेचर डिपेंडेंट होती है और दूसरा क्या होती है टम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है अगर आप दो हजार 2017 का क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पे पूछा गया है चार ऑप्शन दिए गए थे पूछा गया था कि इसमें कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा तो आपका हर एक लाइन जो भी नोट्स में दिए गए हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में जितने आपके बैलूम के टर्म आते हैं सब के सब क्या होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं लेकिन जो मास के टर्म आते हैं वो क्या होते हैं टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होते हैं तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या होगा परसेंटेज आप वेट बाई वेट दूसरा क्या होगा मोल फ्रैक्शन तीसरा क्या होगा मोलिलिटी और चौथा क्या होगा पी पी एम वेट बाई बेट इतने टर्म आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे याद रखिएगा मास से जहां बात होगी यानी परसेंटेज वेट बाय वेट उसके अलावा आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन मोल एल्टी पी पी एम बेट बाई बेट अब हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या होंगे परसेंटेज बैलूम बाई बैलूम परसेंटेज वेट बाई बैलूम मोल एल्टी नॉर्मलिटी पी पी एम बेट बैलूम बाई बैलूम पी पी एम बेट बाई बैलूम और इसके अलावा फार्मेलिटी होगा और परसेंटेज बैलूम बाय बैलूम एंड परसेंटेज वेट बाय बैलूम इटर टर्म आप यहाँ से रट लीजिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको करना ना भूलें अब हम देखते हैं यहाँ से परसेंटेज बेट बाय बेट कैसे निकालते हैं और परसेंटेज सॉरी परसेंटेज बे बेट, बेट बाय बैलूम कैसे निकालते हैं और परसेंटेज बैलूम बाय बैलूम कैसे निकालते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज बैलूम बाय बैलूम निकालने के लिए बैलूम ऑफ सलूट इन एम एल डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सलूशन इन टू हंड्रेड परसेंट इस तरीके से लेट दी बैलूम ऑफ सलूशन हंड्रेड एम एल अगला हम देखेंगे बेट बाई बैलूम निकालना है तो बेट ऑफ सालूट सलूट को वहां पे आप बेट लेंगे डिवाइड बाई अगला हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलरिटी मोलरिटी आपको जानना बहुत जरूरी है कई बार मोलरिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, कि किसी का मोलरिटी फाउंड फाइंड आउट आप कैसे करेंगे तो मोलरिटी ऑफ मोलर्टी ऑफ्यूशन इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन मोलरिटी ऑफ ई सोलूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट पर लीटर सोल्यूशंस यानी कोई भी से उसके पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सालूट के वही आपकी मोलरिटी बताती हैं आर दी नंबर ऑफ मिली मोल्स पर ये मेल ऑफ सोलूशंस तो मोलरिटी बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सोलूशन इन लीटर तो सब लोग याद करिए मोलरिटी बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिटर बराबर क्या होगा एन बाई बी एल भी आप इसको लिख सकते हैं यन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलूट है बी एल क्या है बैलोम इन लेटर है अगला अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे तो बेट ऑफ सालूट जो भी सालूट का बेट दिया होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ दी दलूट मोल्स निकालने का फार्मूला याद कर लीजिए कि जितना बेट होगा सालूट का और उसका मोलर मोल मास से आप डिवाइड कर दीजिए तभी आपको यन की वैल्यू मिलेगी सब लोग इसको याद कर लीजिएगा यानी डब्लू बाई एम तो यहाँ पे जो आपने फार्मूला लिखा था यम इज इक्वल टू एन बाई बी एल तो यन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं एक बार ध्यान से देखिए यन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं W बाई एम तो डब्लू बाई एम एन नाट इन टू बी एल एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिल गया अगर आप इसकी बैलूम को लीटर में ना लेके एम एल में ले लेंगे तो वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलटी का फार्मूला आपको क्या मिल गया यहाँ से मोलर्टी का फार्मूला यहाँ से एक आपको ये मिल गया कि बेट ऑफ सालूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सालूट इंटू थाउजेंड इन टू बैलूम इन लेटर ये वाला फार्मूला भी आपको मिल गया अगला यहाँ पे मोलर्टी का फार्मूला अब इसी से देखिए बेट अगर निकालना हो इसी फार्मूले से अगर आपको बेट ऑफ सालूट निकालना हो तो निकाल सकते हैं बेट ऑफ सालूट बराबर मोलरटी इन टू मोलर मास इंटू बायोम लेटर अब यहां पे देखिए दिया है मोलर्टी बराबर बेट ऑफ सालूट मालिकुलर बेट ऑफ सालूट इन टू थाउजेंड बायोम ऑफ सल्यूशन इन एम एल तो ये वाला फार्मूला सब लोग याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट क्या होती है मोलर्टी की मोल पर लीटर यूनिट भी कभी कभी पूछा जा सकता है अगला यहाँ पे दिया गया है मोलर्टी बराबर वेट बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू बैलूम इन लेटर मास मोलरिटी बराबर अगला क्या होता है परसेंटेज ऑफ सालूट इन टू टेन मालिकुलर बेट ऑफ सालूट इससे भी आप निकाल सकते हैं अब देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है व्हाट इज स्ट्रेंथ तो मोलर मास ऑफ सालूट इन पर लेटर बैलूम ऑफ सोलूशन मास ऑफ सालूट इन पर लेटर बैलूम ऑफ सल्यूशन यस बराबर यस बराबर क्या होगा स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सालूट डिवाइड बाई बेलूम ऑफ सोलूशन इन लीटर यानी अब आपने क्या किया था डब्लू बाई बी एल की जगह सकते हैं अभी आगे आपने जो ऊपर फार्मूला लिखा था उसमें डब्ल्यू बाई एल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं है? यस लिख सकते हैं तो यस बराबर क्या हो जाएगा ई एम नॉट यानी अगर हम बात करें तो मोलरिटी बराबर क्या होगा स्ट्रेंथ डिवाइड बाई माल मास और यहां से स्ट्रेंथ जब निकालेंगे तो स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा मोलरिटी इन मोलर मास अगर आपको मोलरिटी गिवन है तो और मोलर मास भी गिवेन है तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं देखिए मैंने नोट्स में हिंदी में भी यही चीज़ लिखी है स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं अगर मोलरिटी दिया हुआ हो और आपको सालूट पता हो तो उसके मोलर मास और मोलरिटी से मल्टीप्लाई करने पर आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी और एक डायलूसन ला भी आप पढ़ते हैं यहाँ पे यम वन बी वन बराबर टू बी टू अथवा यम वन बी वन बराबर डिवाइड बाई एन वन बराबर यम टू बी टू डिवाइड बाई एम टू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अगला यहाँ पे दिया गया है इफ टू सोलूशन ऑफ सेम आर देन मोलरिटी एम बी रिजल्टिंग सोलूशन अगर दो सोल्यूशन है सेम के आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो वहां भी मोलरिटी आप कैसे निकालेंगे तो वहां भी मोलरिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे बी वन एम वन प्लस बी टू एम टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू अगला देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आप रिलेशन कैसे दिखाएंगे तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा मोलरिटी इन टू मालिकुलर बेट डिवाइड बाई इक्वैलेंट वेट तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में संबंध है अगर कहीं मालिकुलर वेट आपको पता है इक्वैलेंट वेट आपको पता है मोलरिटी पता है तो आप नॉर्मलिटी को फाउंड आउट कर सकते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है तो आप यहाँ से ये वाला फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो आपकी मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये वाला फार्मूला आप याद करिएगा अगला हम देखेंगे नॉर्मलिटी ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार तो डायरेक्ट आपके फार्मूले एग्जाम्स में आते हैं तो अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट इक्वेलेंट बेट इन ग्राम ऑफ ए सलूट परजेंट पर लीटर ऑफ दल्यूशंस तो क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ ए सैलूट ग्राम इक्वेलेंट ऑफ ए सैलूट परजेंट इन दी पर लीटर ऑफ दी दल्यूशंस यूनिट इसकी क्या होती है ग्राम इक्वैलेंट लीटर इनवर्स अभी मैंने आगे मोलरिटी की यूनिट बताई थी मोल पर लीटर और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी ग्राम इक्वैलेंट लीटर इनवर्स तो यहाँ पे बराबर क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वैलेंट ऑफ सलूट डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सल्यूसन इन लीटर तो याद रखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वैलेंट ऑफ सलूट डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सलूसन इन लीटर यानी ई क्यू बाई बी एल ई क्यू बाई बी एल

उट दिन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और सोल्यूशन चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं यहाँ पे भी हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए हुए हैं इस नोट्स में तो आप समय को बिना गंवाए हुए सारे प्रश्नों को जरूर देखें सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर तो आप यहाँ से अगर आपको क्या करना हो जो नॉर्मलिटी का आप फार्मूला यहाँ पे लिखे थे W इंटू ई एम इंटू बी एल तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला लिखा और ई एम बराबर क्या है मोलर मास इंटू एन फैक्टर तो ई एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं मोलर मास इंटू फैक्टर तो इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा यानी नॉर्मलिटी बराबर बेट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास इंटू बैलोमिन लेटर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी का फार्मूला याद कर लीजिए बेट इंटू एन फैक्टर बेट ऑफ सालूट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास इंटू बैलोमिन लेटर अब ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यही लिखा है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट अगला यहाँ पे देखिए बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे आपको लिखे गए हैं कि आप नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं तो बेट ऑफ सालूट डिवाइड बाई ग्राम इको बैलेंट बेट ऑफ सलूट इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सल्यूशन इन यम एल जब भी आप सल्यूशन को एम एल में करेंगे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे एन क्या है नॉर्मलिटी बराबर अगला फार्मूला है

एन वन बी वन बराबर एन टू बी टू अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं आपने क्या कहा कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा इक्वैलेंट बेट डिवाइड बाई बैलोमिन लीटर कि किसी और आपका इक्वैलेंट बेट कैसे आता है बेट बाई इक्वैलेंट बेट कैसे निकालते हैं जो आपका बेट होगा डिवाइड बाई इक्वैलेंट मास बेट ऑफ सालूट इनटू इक्विवेलेंट मास इंटू बैलोमिन लेटर अब क्या होगा जो आपका डब्लू है उसकी जगह पे आप इक्विवेलेंट बेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट बेट की जगह पे आप लिख सकते हैं ई e एम बराबर यम नॉट इंटू एन फैक्टर तो यम नॉट इंटू एन फैक्टर जब इसको करेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा अब डब्लू अपनी फार्मूला है मोलर्टी का फार्मूला है अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं मोलरिटी लिख सकते हैं तो मोलरिटी बराबर नॉर्मल तो क्या होगा अब इसी फा को रखिएगा नॉर्मलिटी में तो यन बराबर क्या होगा मोलर माल मोलर्टी इंटू यन फैक्टर आगे हम बताएंगे कि यन फैक्टर को कैसे निकालेंगे अब देखिए इक्वैलेंड वेट कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं तो ये सारे फार्मूले एक बार हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आप स्क्रीन शॉट लेके ये फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ यन फैक्टर यन फैक्टर को कैसे कैलकुलेशन करेंगे अगर हम बात करें इन द केस ऑफ एसिड एसिड की बात करें तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा एसिड्स उतना ही उसका क्या होगा यन फैक्टर होगा जैसे यस सी एल है तो यस सी एल क्या कर रहा है एक एच प्लस दे रहा है तो क्या कर रहा है एक ही एन फैक्टर होगा यस टू सो फोर टू एच प्लस दे रहा है तो टू ही होगा ज़्यादातर यही लेते हैं लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से भी ये ब्रेक होता है वन भी एस्टिक एसिड तो ये एच प्लस दे रहा है तो वन होगा इसका अगर एन फैक्टर हम बेस की बात करें तो नंबर ऑफ ओ एच आइन जितने ओ एच आइन बेस देगा उतना उसका एन फैक्टर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा वन होगा अगर साल्ट की बात करें तो टोटल मैग्नेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे हमने कुछ साल्ट लिया है एन ए टू सी ओ थ्री तो अगर बात करें तो नाइट्रो नाइट्रोन सोडियम पे भी प्लस चार्ज है और कार्बोनेट पे माइनस चार्ज है तो क्या होगा एन फैक्टर बराबर टू होगा एन ए पे प्लस वन चार्ज क्लोरीन पे माइनस वन चार तो यन फैक्टर वन होगा जितने उस पर चार्ज होंगे पॉजिटिव अथवा नेगेटिव इस तरीके से इसका एन फैक्टर आप निकालेंगे अगला दिया है यन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेडियोसिंग एजेंट कितने होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे केमिनो फोर कहाँ जा रहा है केमिनो फोर जब एसटी मीडियम में ले रहे हैं एच प्लस तो बन जा रहा है ये एनओ टू देता है अब केमिनो फोर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी पाँच और कहाँ पे पहुँच गया दो में कितने का अंतर हुआ सॉरी सात था किस में पहुँच गया दो में पहुंच गया यानी कितने का डिफरेंस आया पाँच का तो माल यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा फाइव होगा अगला देखिए बेसिक में केमिनो फोर को जब बेसिक मीडियम में रखते हैं तो के टू येमेनो फोर में कन्वर्ट होता है अब यहाँ पे प्लस सेवन ऑक्सीडेसन थी यहाँ पे सिक्स कितने का अंतर आया वन का तो यन फैक्टर वन होगा यहाँ पे देखिए केमिनो फोर जब न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो येनो टू देता है यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा सात से कहाँ आ गया चार में आ गया तो यन फैक्टर तीन होगा आप देखिए इक्वेल्ट मास ऑफ केमिनो फोर इन एस्टिक मीडियम जो केमिनो फोर है एस्टिक मीडियम में है इसका आप एस्टिक मास कैसे निकाल इक्वेल्ट मास कैसे निकालेंगे तो आपने अभी बताया कि इक्को मास बराबर क्या होगा मोलर मास इन टू फैक्टर क्या होगा एन फैक्टर तो मोलर मास कितना होगा केमिनो फोर का आप सारा काउंट कर लीजिए तो मोलर मास आता है वन याद कर लीजिए कुछ चीज़ों का याद होना चाहिए वन होगा एन फैक्टर कितना आएगा तो के एम फोर एसटिक मीडियम में है तो आपको पता होना चाहिए कि जब के एम फोर एसटिक मीडियम में होता है तो यम एन प्लस टू में जाता है तो क्या होगा पाँच का अंतर आता है तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा पाँच होगा तो वन फिफ्टी एट बाई टू आ जाए फाइव आ जाएगा अब देखेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है फार्मेलिटी तो फार्मेलिटी की अगर हम बात करें तो लीटर फार नंबर ऑफ फार्मोल नंबर ऑफ फार्मोल ऑफ सलूट इन पर लीटर ऑफ सल्यूशन नंबर ऑफ फार्मोल ऑफ सालूट इन पर लीटर ऑफ पर लीटर बैलूम ऑफ सलूशन तो यह बराबर क्या होगा नंबर ऑफ फार्मूल ऑफ सालूट यफ एन डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर यानी बी एल और आप फार्मोल्स कैसे निकालेंगे फार्मोल्स निकालने के लिए बेट ऑफ सालूट डिवाइड बाई फार्मूला मास तो यहां से क्या आएगा डब्लू ओपान यफ एम अब डब्ल्यू अपान यफ एम आ गया फार्मूला मास अब आगे हम देखेंगे कि सबको कैसे निकालते हैं अब एफ, एफ बराबर आपको क्या मिले एन अपान बी एल था ये फार्मूला और इसकी जगह पे क्या रखेंगे एफ एन की जगह पे डब्लू अपान एफ एम तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा मालिकुलर मास ऑफ सालूड ऑब्जर्ब यू जैनिक कंपाउंड अब यफ बराबर क्या मिलेगा फार्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ फार्मूला बेट इन ग्राम डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सोल्यूसन इन लीटर्स। फार्मेलिटी ऑफ सोलूसन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे फार्मेलिटी जो होगी सोलूशन की वो क्या करेगी डिक्रीज करेगी अगला पॉइंट आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन फार्मेलिटी एंड मोलरटी जो रिलेशन होता है फार्मेलिटी में और मोलर्टी में वो क्या होता है तो so, अगर हम बात करें य फिजिकल टू तो यह फिजिक्वल टू क्या होता है फार्मेलिटी बराबर फार्मेलिटी बराबर आपका क्या होता है बेट होता है डिवाइड बाई मालिकुलर मास होता है सालूड का इंटू बैलो में लेटर होता है और W बराबर क्या होगा यम ओ बी एस इंटू बी एल अब जब इसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको इस तरीके से एक फार्मूला निकल के मिलेगा और जो यम थ्योरेटिकल मालिकुलर मास होगा डिवाइड बाई यम ऑब्जेक्ट मास होगा वही किसके बराबर होगा वन टॉफ फैक्टर के बराबर होगा थ्योरेटिकल मालिकुलर मास डिवाइड जरूर मालिकुलर मास उसी किसके बराबर होगा वन ट हाफ फैक्टर के बराबर होगा तो फार्मेलिटी का एक फार्मूला याद कर लीजिए फार्मेलिटी बराबर वन ट हाफ फैक्टर इंटू मोलर्टी ये वाला फार्मूला भी याद कर लीजिए यहाँ पे समय बहुत कम है तो हम चीज़ों को बस उसी तरीके से को करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए अगर आपका कोई डायरेक्ट फार्मूला में भी आ जाए तो आप उसको कर ले जाए तो यहाँ पे और भी सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं हम एक बार इसको दिखा देते हैं कि मोलरिटी जब आप निकालेंगे तो यन बाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा बैलूम्स ऑफ सलूसन इन लीटर और यन कैसे निकालेंगे बेट बाई मालिकुलर बेट्स निकालेंगे नॉर्मलिटी क्या होगी नंबर ऑफ इक्वैलेंट वेट इन टू बैलूम इन लीटर तो यहाँ से आप कैसे मोलरिटी और उसको फाइंड आउट करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है इक्वैलेंट मास कैसे निकालते हैं मालिकुलर मास डिवाइड बाई यन फैक्टर से इक्वैलेंट मास निकाल लेते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिया है टू पॉइंट फोर फोर ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन टू फार्म फाइव हंड्रेड सोलूसन देन फाइंड आउट मोलर्टी एंड फार्मेटी तो मोलर्टी तो हम निकलवा दिए हैं फार्मेलिटी सब लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो सबसे पहले देखिए कितना ग्राम दिया है बेंजोइक एसिड टू पॉइंट फोर फोर ग्राम सालूट क्या है बेंजोइक एसिड है जिसको हम बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा सी सिक्स एच फाइव सी यू एच तो मालिकुलर मास इसका कितना होगा एक सौ बाईस ग्राम होगा बैलूम कितना दिया है पाँच सौ एम दिया है बैलूम पाँच सौ एम दिया है और हमें फार्मलिटी फाइंड आउट क्या करना है मोलरिटी ऑन फार्मलिटी फाउंड आउट करना है अब बैलूम को हम लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे या एल में दिया है तो एक हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में आ जाएगा तो अब देखिए मालिकुलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेट बाई बेट बाई मालिकुलर बेट इन टू बैलूम इन लीटर अगर इस तरीके से मिला है ना तो वेट बाई मालिकुलर वेट इन टू बैलोमिन लेटर्स तो वेट कितना है टू पॉइंट फोर फोर ग्राम उसके अलावा देखेंगे मालिकुलर वेट कितना दिया है एक सौ बाईस ग्राम इन टू बैलोमिन लीटर कितना है जीरो पॉइंट फाइव ग्राम जब इसको आप करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल पर लीटर आएगा इस तरीके से आप इसको यहां पे निकालेंगे अगर फार्मेलिटी निकालना होगा तो आप किसी भी फार्मूले से फॉर्मेलिटी भी यहां पे निकाल सकते हैं मालिकुलर बाई मोलर मास से भी निकाल सकते हैं मोलरिटी तो आपको पता चल गया है किसी भी एसिड को अगर बेंजीन में डिजॉल्व कहते हैं तो क्या हो जाता है डाइमराइज हो जाता है यानी उसका बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे थे तो उसका मालिकुलर बेस क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा थ्योरेटिकल मास से तो उसका थ्योरेटिकल मास तो बाईस था लेकिन जब आप उसको बेंजीन में डाल दिए तो उसका ऑब्जर्व मास क्या हो गया 244 हो गया तो आपने कहा कि वन हाफ फैक्टर क्या कहता है कि हम क्या करेंगे थियोरेटिकल मास को किससे डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व मास से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वन बाई टू आएगी तो यही वैल्यू वन हाफ फैक्टर का फार्मेलिटी के फार्मूला में रख दीजिए तो मोलरिटी फार्मेटी बराबर क्या आएगा मोलरिटी तो यफ बराबर क्या होगा यम इन टू आई तो यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपने दोनों चीजें यहाँ पे कर लिया एक तो आपने फार्मेलिटी भी निकाल लिया और दूसरा आपने क्या निकाल लिया मोलरिटी भी निकाल लिया तो वन एंड हाफ फैक्टर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं तो वहाँ से वन एंड हाफ फैक्टर निकाल के आप फार्मेलिटी निकाल सकते हैं देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप इसको स्क्रीन लीजिए और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है अगला पॉइंट है पार्ट पर मिलियन पीपीएम का मतलब क्या है पार्ट पर मिलियम है बेट बाई बाई बैलूम एंड पार्ट पर मिलियम बेट बाई बैलूम बाई बैलूम तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ बेट बाई बैलूम तो इसका क्या होगा बेट ऑफ इन ग्राम डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सरूसन इन यम पीपीएम बेट बाई बेट बराबर क्या होगा पीपीएम ये तो सिंपल फार्मूला था अगर हम उसको पी में कन्वर्ट करते हैं तो टेन की पावर क्या कर देते हैं सिक्स कर देते हैं जहाँ पे आपका हंड्रेड था उसको क्या कर देंगे टेन की पावर सिक्स में कन्वर्ट कर देंगे अगला पी पी एम बैलूम बाई बैलूम क्या होगा बैलूम ऑफ सलूट इन टू एल डिवाइड बाई बैलूम ऑफ सलूसन इन यम एल इन टेन की पावर सिक्स तो याद रखिएगा जब भी आप इक्को पार्ट पर मिलियन की बात करेंगे पी पी एम की तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा टेन की पावर सिक्स से देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली के बी एस पी जी टी दो हजार अट्ठारह के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पूछा गया था ए सैंपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नाइन्टी फाइव परसेंट एस टू सो बाई बेट्स एंड इट्स डेंसिटी टी इन वन पॉइंट एट जीरो ग्राम पर एम एल दॉर्मेलिटी ऑफ एस टू सो इन दिस सैंपल तो जो नॉर्मेलिटी होगी एस टू सो की उस सैंपल में क्या होगी तो देखिए यहाँ पे आपको सालूट का मास गिवेन निकालना होगा कितना मास है सालूट का डेंसिटी यहाँ पे गिवेन है क्या गिवन है डेंसिटी दी हुई है वन पॉइंट एट जीरो ग्राम पर लीटर दूसरा एस टू सो फोर का मालिकुलर वेट कितना होगा नाइन्टी एट और जो मास ऑफ सालूट दिया है नाइन्टी फाइव ग्राम दिया है इतना वेट है नाइन्टी फाइव परसेंट है वो और मास ऑफ सलूसन अगर हंड्रेड ग्राम है और उसी हंड्रेड ग्राम में आपका सैम्पल 95 ग्राम क्या है एस टू सो फोर है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं तो आप तो सबसे पहले बेट लिखते हैं डिवाइड बाई मालिकुलर बेट लिखते हैं तो बेट इसका क्या है नाइन्टी फाइव है और मालिकुलर बेट कितना है नाइन्टी एट है तो इसको जब करेंगे तो जीरो पॉइंट नाइन सिक्स आएगा अब क्या होगा मोलरिटी क्या खाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिवाइड बाई टोटल ऑफ सलूशन इन एवेल बैलूम कैसे निकालते हैं किसी भी सोलूशंस का बैलूम आप सल्यूशन बराबर क्या करते हैं मास इंटू डेंसिटी मास आपको यहाँ से पता है कितना मास है इसका 98 एट है डेंसिटी आप निकाल डेंसिटी के लिए क्या करते हैं वन पॉइंट एट जीरो है डेंसिटी भी गिवेन है तो यहाँ पे देखिए हाँ सालूट का मास लेना है ना तो यहाँ से जब आप इसका करेंगे तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी हंड्रेड बाई वन एट जीरो एम एल आएगी और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो फाइव फाइव पॉइंट फाइव एम एल आएगा अब इसी को इसमें रख दीजिए तो आपकी मोलरिटी निकल के आ जाएगी मोलरिटी फाइंड आउट हमने इसलिए किया कि नॉर्मलिटी आसानी से निकल जाए अब नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है हमने कहा कि नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इन टू फैक्टर और हमने कहा था कि जो एस टू एस फोर होता है ये क्या होता है इसका जो फैक्टर होता है दो होता है तो सेवनटी सेवनटीन इंटू टू नाइन इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी वैल्यू यहाँ से नॉर्मलिटी की मिल जाएगी क्योंकि एन फैक्टर ऑफ एस टू सो फोर क्या होता है टू होता है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कम्प्लीट हो गया अगला हम देखते हैं परसेंटेज बेट बाई बेट तो बेट बाय बेट का मतलब क्या होगा बेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय बेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इन टू हंड्रेड तो ये वाला होगा आपका बेट बाय बेट अब हम चलते हैं जो हमारे टेम्परेचर टर्म थे उसको हम यहाँ पे देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहें तो इसको मार्क कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोल फैक्टर क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या होता है इट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज बोथ द कंपोनेंट्स तो यहाँ पे आप देखेंगे मोल फ्रैक्शंस क्या कहता है कि जितने नंबर आप मोल्स हैं एक कंपोनेंट के और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सलूसंस के तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ही अगर कोई यहाँ पे मिक्सचर्स है तो वहाँ पे उसमें सालवेंट भी डाला गया है और सालूट भी डाला गया है अगर हम मान रहे हैं ए e है सालूट और बी क्या है सालवेंट तो उसका जो मोलर मास होगा मोल होगा वो येन ए मोल है आपका सालूट का और जो यन बी मोल है वो सालवेंट का है तो इसका मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन एक बराबर क्या होगा एन ए अपान एन टी तो यन टी का मतलब क्या है येन टोटल यानी ये एन टोटल क्या है एन ए प्लस एन बी तो ये डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इस तरीके से जब मोलर मास आप सॉल्वेंट हम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यक्स बी बराबर क्या करेंगे एन बी अपान एन टोटल एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस, प्लस एन बी दो इक्वेशन आपको मिल गए अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा यक्सए प्लस एक्स बी बराबर वन अथवा यक्स भी बराबर एक माइनस वन माइनस एक अब अगला हम देखेंगे मोलेटी मोलिटी क्या होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट इन पर के जी बेट ऑफ सॉल्यूशंस देखिए मोलिटी याद रखना इसमें क्या करते हैं पर के जी बेट ऑफ सॉल्यूशन कर सॉल्वेंट करते हैं सॉल्वेंट का जो बेट लेते हैं वो के जी में लेते हैं किलोग्राम में तो मोलिटी बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई बेट इन के जी अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेट बाई मालिकुलर बेट से निकालते हैं इन टू बेलो बेट इन के जी तो डिवाइड बाई क्या होगा बेट इन के जी अगर यही बेट को हमें ग्राम में करना होगा तो वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना होगा मोलरिटी की यूनिट क्या होगी मोल के जी इनवर्स होगी अब यहाँ से क्या होगा मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई बेट ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई बेट ऑफ सॉल्वेंट इन टू वन थाउजेंड दूसरा क्या होगा मोलिटी बराबर स्ट्रेंथ इन ग्राम इंटू थाउजेंड ग्राम ऑफ सालवेंट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट ऑफ सैलूट अगला हम देखेंगे मोलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सैलूट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट ऑफ सालवेंट इन के जी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बेट ऑफ सैलूट इतने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप उसमें से जो भी आपको सही लगे आप अलग अलग फार्मूला यहाँ से याद कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए अब देखिए मोलरिटी अगर निकालना होगा मोलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सालूट इन टू डिवाइड बाई वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सालूट इन टू मोलर मेस ऑफ सालवेंट तो मोलरिटी का एक फार्मूला ये भी है यम बराबर एक टू थाउजेंड वन माइनस एक से इंटू एम बी बास ऑफ सालवेंट अब इसी तरीके से दिया है पी पी एम बेट बाई बेट तो क्या होगा बेट ऑफ सालूट इन ग्राम डिवाइड बाई बेट ऑफ सलूशन इंटू टेन की पावर सिक्स अगर हम बात करें मोल्स का तो मोल्स कई इस तरीके से रिलेटेड होते हैं अगर हम मोल्स की बात करें तो एन मोल्स कित के बराबर होता है ऑगर्ड्रो नंबर्स के बराबर होता है और आग्रो नंबर कितना होता है सिक्स इंटू जीरो जीरो सिक्स पॉइंट जीरो 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 टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री और एन बराबर क्या होता है क्वांटिटी Q डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ये भी नंबर आप मोल्स के बराबर होता है हो। अगर हम मास के टर्म में बात करें तो वन मोल बराबर क्या होगा एटॉमिक मास इंटू मालिकुलर मास ये मास डिवाइड बाई मालिकुलर मास इंटू एटामिक मास अगला हम देखें अगर लीटर के टर्म में बात करें अगर लीटर के टर्म में बात करें तो वन मोल बराबर कितना होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर अप्लीकेबल ओनली गैस एट यस टी पी सिम टम्परेचर प्रेसर स्टैंडर्ड टम्परेचर प्रेशर पर वन मोल बराबर क्या होगा ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड एम एल अगर इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे यम एल में दूसरा क्या होगा अगर बैलूम के टर्म में बात करें तो यन बराबर क्या होगा बैलूम ऑफ गैस एट यस टी पी डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो आप देखिए क्वांटिटी के टर्म में क्या आया क्यू अपान यानी बेट के टर्म में क्या आया बेट बाई मालिकुलर बेट एटामिक बेट गैसेस के टर्म में क्या आया है बैलूम ऑफ गैसेज डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो जीरो फोर इंटू टेन की पावर ट्वेंटी क्वांटिटी ऑफ सी ओ टू गैस इज गिवेन कैलकुलेट तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेट निकालना है और बैलू मिन एस टी पी निकालना है तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो Q अपान क्या होगा या नहीं होगा तो Q की वैल्यू यहाँ से दी है या नहींड्रो नंबर होगा तो यहाँ से आपको मोल्स मिल गया अगर बेट निकालना होगा तो क्योंकि नंबर बराबर मोल्स बराबर क्या होता है बेट अपान मालिकुलर मास तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेट बराबर क्या होगा मोल्स इंटू मोलर मास तो मोल्स आपको टू मिला है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलर मास फोर्टी फोर होगा अब बैलूम एन निकालना है तो क्या करना है बैलूम एन के लिए मोल्स इनटू टू ट्वेंटी टू पॉइंट तो इससे आपका बैलूम इन एस निकल जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कुछ हम यहाँ पे मालिक्यूल्स लिए हैं और उसके मालिकुलर मास आपको बताएंगे अगर कहीं पे एस्टिक एसिड दिया है तो उसका मालिकुलर मास क्या होगा सिक्सटी ग्राम पर मोल होगा यूरिया दिया है तो सिक्सटी ग्राम पर मोल होगा इसका भी ग्लूकोज अगर देखें तो वन एट जीरो ग्राम पर मोल होगा शुगर अगर देखें तो थ्री फोर टू ग्राम पर मोल होगा सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो नाइन्टी एट ग्राम पर मोल होगा बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करेंगे बेंजीन की बात करेंगे तो सेवेंटी एट ग्राम पर मोल होगा अगर ये येनोथ्री की बात करेंगे तो उसका मालिकुलर मास क्या होगा सिक्सटी थ्री ग्राम पर मोल होगा यानी सीएल की अगर हम बात करें तो यानी एशियल का क्या होगा फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम होगा तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए गए थे और उस इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट में हमने क्या देखा किस तरीके से आप मालिकुलर मास निकालते हैं किन किन चीज़ों से मालिकुलर मास निकालते हैं ये सारे टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं अगली चीजें हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है ए डेसी मोलर सोलूसन ऑफ यस टू एस फोर प्लस वाटर क्या है इसमें H2SO4 टू सो फोर है प्लस वाटर है इस प्रीपेड देन फाइंड नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस डेसी का मतलब क्या है टेन के पावर माइनस वन बराबर वन बाई टेन एम बराबर क्या होगा मोलर्टी मोलर्टी के लिए क्या होगा अब यहाँ पे सालूट क्या है H2SO4 टू सो फोर है और सालबेंट क्या दिया गया है वाटर दिया गया है अब एस टू सो फोर को जब आप डिसोसिएट करते हैं तो टू एच प्लस एस फोर टू माइनस यानी यहाँ से एन फैक्टर टू आता है ये मैंने आगे आपको बताया है लेक्चर्स में कि एन फैक्टर आप कैसे निकालते हैं तो नॉर्मलिटी के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था मोलर्टी इंटू एन फैक्टर तो नॉर्मलिटी कितना है वन बाई टेन एम है मोलर्टी एन बाई टेन एम ए है इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई फाइव आएगा यानी एन बाई फाइव आ जाएगी नॉर्मलिटी अब देखिए अगर स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो आगे स्ट्रेंथ का फार्मूला बताया गया है ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं तो मोलरिटी इंटू मोलर मास होगा तो मोलरिटी क्या होगा वन पॉइंट वन जीरो इंटू मोलर मास बराबर क्या होगा नाइन पॉइंट एट बराबर नाइन पॉइंट एट ग्राम पर लीटर मोलर मास ऑफ एस टू एस फोर बराबर क्या होगा नाइन्टी एट अगला पॉइंट हम देखेंगे सालबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स अगर हम किसी भी गैस इन लिक्विड की सॉलबिलिटी की बात करें तो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे पहला फैक्टर क्या है नेचर ऑफ गैस जिस गैस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में उस गैस का नेचर कैसा है अगर गैस पोलर होगी तो क्या होगी सॉलबुल होगी किसमें पोलर सॉल्वेंट में जैसे यस सी एल है पोलर है और हमने पोलर सॉल्वेंट वाटर लिया है तो गैस क्या होगी ईजिली सालबुल हो जाएगी दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो गैसेस की जो सालबिलिटी है वो क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी गैसेस उतना तेजी से सालबल नहीं हो पाएगा तो लिक्विड प्लस गैस अगर है और उसमें हम कोई सोल्यूशंस लिक्विड प्लस गैस है तो हमें सोल्यूशंस मिल रहा है और वहाँ पर हमें एक जो थर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा एच क्या होगी निगेटिव होगी डेल्टा एस भी निगेटिव होगी और जो आप फार्मूला लगाते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा निगेटिव होगा डेल्टा एच निगेटिव होगा प्लस टी डी एस अगर कोई प्रोसेस स्पांटेनियस हो रही है तो वहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा निगेटिव होगा ये पॉइंट आप याद करिए सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखिए अगला पॉइंट है प्रेशर्स प्रेशर्स इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी सॉलिबिलिटी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी यहाँ पे लिखा गया है दी हमारा वन सूट रिवीजन क्लास चला है इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अभी देखिए कितने सारे लेक्चर्स कितने सारे पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बचे हैं अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो हम इसको अलग लेक्चर्स में कराने का प्रयास करेंगे अभी हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से दूसरे लेक्चर्स में कर देंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थे तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी सालबिल ऑफ ए गैस इन एनी लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज गवर्नड बाई हेनरी ला तो जब भी आप बात करेंगे प्रेशर का तो सॉलबलिटी ऑफ इफेक्ट इसको आप हेनरी ला से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू गैसेज हुई आर आइदर इन सॉलबुलर साल स्लाइटली सॉल्वुल इन द लिक्विड अकॉर्डिंग टू हेनरी ला अगर हम बात करें हैंनरी ला की तो पार्सल प्रेशर अप्लाइड बाई एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन परजेंट लिक्विड इन सॉल्वेंट जो पार्शियल प्रेशर हम अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी गैस में आन दिक्विड किसी भी नहाँ गैस, नहाँ गैस का लिक्विड में लिक्विड सरफेस पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके किसके होगा मोल फ्रैक्शन का होगा तो अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे के एच से और यही के एच क्या होगा हेनरी कांस्टेंट होगा यक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की तो कांस्टेंट अगर प्रेशर हमारा है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज करेगी लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है हमारा जो वैल्यू है यक्स की मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो जो हेनरी कांस्टेंट है केएच है वो क्या होगा कम होगा इसी तरीके से अगर हमारा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहाँ पे देखिए दिया क्या है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी तो यहाँ देखिए ग्राफ बनता है एक प्रेशर और हेनरी मोल फ्रैक्शन के बीच में जब आप स्लोप स्लोप्राट करते हैं स्लोप बराबर क्या होता है के एच होता है इस चीज़ को आप नोट्स करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे पॉइंट अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वेपर प्रोसेस वेपर प्रेशर देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर एग्जेक्टेड बाई एनी वेपर आर गैस ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड आर सोलूशन हुई चीज वोलेट आइल इन नेचर एट इक्लुबीरियम कंडीशंस पार्सल प्रेशर एग्जेक्टेड बाई एनी वेपर आर गैस ऑन दी सर्फेस ऑफ लिक्विड आर सोलूशन हुई चीज वोलेट इन नेचर एट इक्लुबीरियम कंडीशन अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर आपके बेपर प्रोसर को इनक्रीज इफेक्ट करेंगे तो टम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेपर प्रोसर आप लिक्विड सरफेस पे क्या होता है इंक्रीज करता है नेचर ऑफ लिक्विड इसमें क्या देखेंगे इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीक बेपर प्रोसर हाई अगर किसी भी लिक्विड में इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीक है तो वहाँ पे बेपर प्रोसर क्या होगा ज़्यादा होगा देखिए यहाँ पे क्या है इथर है यहाँ पे इथेनॉल है तो इथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीक है लेकिन इथे में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो क्या होगा बेपर प्रोसेस क्या होगा लो होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो बेपर प्रोसेसर हाई होगा इस बात का ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा तो बेपर प्रोसेसर हाई होगा अगला पॉइंट देखेंगे प्योरिटी ऑफ लिक्विड दी प्योर लिक्विड हैजवेज हाइयर बेपर प्रेशर अगर कोई लिक्विड प्योर है तो उसका बेपर प्रेशर क्या होगा ऑलवेज हाइयर होगा एज कम्पेयर टू इट्स सोलूशन इसके इस सोलूशन के कम्पेयर में अगला पॉइंट हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा राउल्टला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें राउल्टला की तो फॉर एनी वाइज सर्विस्टेंस दार्सियल प्रेशर एग्जर्टेड बेपर गैस ऑन दर्फेस ऑफ लिक्विड सोलूशन इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड या सोलूशन केस फर्स्ट में होगा कि अगर हम मोलाटायल सालूट भी ले लें और ओलाटाइल साल्वेंट भी ले लें अगर हमारे दो सिस्टम हैं हम उसमें क्या करें ओलाटाइल सालूट भी डाल दें और ओलाटाइल सालवेंट भी ले लें ले, तो उससे हमें सल्यूशन जो मिलेगा किस तरीके से मिलेगा तो यहाँ पर आपका कोई भी मालिक्यूल्स है आपका उसमें आप पीए और पी भी दो तरीके से सालूट और सालवेंट आप यहाँ पर मिला रहे हैं सोलूशन को बनाने के लिए पी का मोल फ्रैक्शन अलग होगा ए का मोल फ्रैक्शन अलग होगा बी का मोल फ्रैक्शन अलग होगा उस पर अलग पार्सियल प्रेशर लगेगा उस पर अलग पार्सियल प्रेशर लगेगा आगे आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी बराबर वन होता है यहाँ से क्या पढ़ा था एक्स बी बराबर वन माइनस एक्स ए तो यहाँ से पार्सियल प्रेशर टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा पी ए प्लस बी और पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ही अब यहां से जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड आप बनाएंगे अब पी टोटल बराबर क्या होगा प्रेशर टोटल बराबर क्या होगा पी ए नाट प्लस पीबी नाट अब पी ए नाट की वैल्यू यहां पर गिवेन है पीबी नाट की वैल्यू यहां पर गिवेन है अगला देखेंगे यक्स बी की वैल्यू आप यहां से रख के एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अब अगला केस टिकेंड दिया गया है नॉन वोलेटाइल सालूट वालवेंट दो तो यहां से आपको क्या मिलता है रिलेटिव लोअर प्रोसर आर एल बी पी एक तरीके से कोलेगेटिव पार्टी हुई है रिलेटिव लोअरिंग बेपर प्रोसेर तो बेपर प्रोसर ऑफ ए साल्वेंट इन सोलूशन इज लेस देन डेट ऑफ प्योर सालवेंट तो यहां से आपको एक फार्मूला मिलेगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी यक्सी के मोल फ्रैक्शंस अब अगर इसको हटाएंगे कांस्टेंट को तो क्या बनेगा एक आपको क्या मिलेगा कांस्टेंट लगाएंगे P, पी ए नाट अब पी डेल्टा पी बराबर क्या होगा पी ए नाट माइनस पी ए क्योंकि पी ए नाट क्या है ज्यादा है पी ए से अगला यहाँ पे देखेंगे डेल्टा पी बराबर क्या होगा पी ए नाट माइनस पी ए नाट इंटू एक से ये बैलू आप किसकी रख रहे हैं पी ए की वैल्यू रख रहे हैं यहां से देखिए अब क्या होगा डेल्टा पी बराबर पी ए नॉट माइनस इंटू यक्स इंटू ए वन माइनस एक्स ए अब इसको जब करेंगे तो डेल्टा पी बराबर पी ए नॉट बराबर यही रिलेटिव लोरिंग इन प्रेशर्स आता है यही है आपका आर एल बी पी इसी से आप मोल फ्रैक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं अगला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कोलेबेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत थोड़े से पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन थैंक यू